भूत बनाकर बैठा हुआ हो, फिर हम उससे फायदे की उम्मीद बनाकर फायदे का उम्मीद लेकर जाएंगे तो ये नामुमकिन है, ये हमारे लिए खसारे में है, फिर ये हमें मकबूल बंदों में नहीं ले जाएगा, बल्कि हमारे जो किए हुए थोड़े बहुत अमाल होंगे वो भी तबाह बर्बाद होंगे। क्योंकि अगर एक आम आदमी के पास, एक आम मेरे जैसे जाहिल के पास जाओगे, वो तो उस तरह दर्स व तदरीस देगा जिस तरह उसका इल्म होगा, जिस तरह उसका तरबियत होगा, जिस तरह उसका एजुकेशन होगा। लेकिन अगर तुम एक आलिम फाजिल अल्लाह तबारक व तआला के वली के पास जाओगे तो उसका हर बात फरमाने खुदा से खाली नहीं होगा, फरमाने मुस्तफ़ा से खाली होगा। तो फिर कुरान इसलिए निशानदेही करता है कि अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, भाई वो हकीकतन में भी ला खौफ होते हैं, हकीकतन में भी बेखौफ होते हैं, हकीकतन भी उन्हें दुनिया की कोई खौफ कोई परवाह नहीं होता। क्यों नहीं होता?